हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल घर पर बूंदी, बहुत टेस्टी और डिलीशियस बिना किसी झाम के। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे, आप इसे घर पर बना सकते हैं। बहुत कम समय में बनकर ये तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर हम बनाते हैं बूंदी। बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमने गैस पर रख दिया है कढ़ाई। उसमें हमने डाल दिया है 1.5 कप चीनी और 1 गिलास पानी। गैस को हम जला देते हैं। ये देखिए दोस्तों, चाशनी में हमारे उबाल आने लगा है। इसे हम मिला देते हैं थोड़ा सा। अब इसे हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए दोस्तों, जो कि हमारी चाशनी पक जाए। ये देखिए दोस्तों, चाशनी हमारी पक गई है। हम अपने हाथों से प्रेस करके देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी उंगलियों में चिपकने लगी है। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई। अब इसमें हम डाल देते हैं इलायची दाने, जो कि इसका टेस्ट और अच्छा आए। और इसमें हम डाल देते हैं फूड कलर। कलर के लिए दोस्तों, अगर आपका मन है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल, तो इसलिए हमने फूड कलर डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपने बूंदी को। ये देखिए दोस्तों, बूंदी हमने दोस्तों 250 ग्राम लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने बूंदी मार्केट से लाए हैं दोस्तों। ये बिना नमक की बूंदी है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। ये घर पर बहुत कम समय में आसानी से बन जाता है बूंदी भी। ये देखिए दोस्तों, इसे हम 5 मिनट रख देते हैं, जो कि हमारी बूंदी चाशनी में फूल जाए और हमारी बूंदी बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया है। अभी इसमें हल्का हल्का से चाशनी है, इसे हम थोड़ा से और पकने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई। कितनी बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है दोस्तों। अगर आपका दोस्तों जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे, आप इसे बना सकते हैं। बहुत कम समय में बनकर ये तैयार हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी दानेदार। अगर दोस्तों हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, जो कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसके दोस्तों आप लड्डू भी बना सकते हैं। ये देखिए।